भैया। यहाँ पढ़े लिखे विद्वत बैठे हैं, हम कलाकारों के भगवान बैठे हैं, हमारे नौजवान साथी बैठे हैं, जरा गौर करिएगा। मैं उस समय की बात बताने जा रहा हूं। किस समय की? भूमिका का लाइन हमारी अब जरा गौर करिएगा बाबूजी। तिलक खून का सर लगा के जमा, युद्ध का डंकरण में बजा ही दिया, फांसी का फंदा सावन का झूला समझ, फिर पागी गले में सजा ही लिए। समय कौन रहल? गुलामी की जंजीरों में भारत माता मेरी करा रही थी, जगह जगह से क्रांतिकारियों की टोली से आवाज बुलंद हो रही थी, नेताजी यह जो झंडा टंगा हुआ है, इस धरती पर दो ही नेता हुए, एक नेता आजाद हिंद फौज के नेता सुभाष चंद्र बोस और दूसरे नेता समाजवादी पार्टी के प्रणेता धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव को लोग बड़े अदब से धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव नेताजी कहा करते थे। करो या मरो का नारा रहा। उस समय होता है क्या, मेरे देश के जवान क्रांतिकारी पट्टा जवान 18 20 25 30 साल का जवान निकल पड़े मां भारती को आजाद कराने के लिए। तो कव्वाली का टुकड़ा हम मालिक बाबा विधा सुनो ले भैया बाबू चचा हूं। कव्वाली आप लोग बहुत सुनेला, लेकिन ये कव्वाली चांद कादरी दिल्ली घराने से चांद कादरी साहब ने गाया है। क्या गाया है? जवान कहता है ये धरती क्या है, ये मेरी माँ है, इसलिए कहता है। कव्वाली से पहले कहता है मुसलमान भाई होंगे तो तबस्सा देंगे। क्या कहता है देश का जवान? ये धरती माँ है मेरी, ये माँ है मेरी, ये धरती माँ है मेरी, ये अलग ऐलान लिख देना, मेरी मेरी जिंदगी पे इसके एहसान लिख देना।
या किसी का आज मकबरा, ये दुनिया वाले जान जाएंगे मेरी मेरी कब्र के पत्थर पे। हिंदुस्तान लिख देना देश का जवान कहता है, मैं मरूं तो वतन के लिए, मैं जीऊं तो वतन के लिए। क्या अरे बहे खून मेरा, अरे बहे खून मेरा चमन के लिए, वतन के लिए। अरे मेरी जान जाए वतन के लिए। एक बात और कहता है देश का प्रहरी, मैं हिंदुस्तान के लिए 130 करोड़ जनता के लिए मरूं तो मुझे कौन सा कफन मिले। कहता है क्या जो सरहद पे मुझको, जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, तिरंगा बढ़ाना कफन के लिए। अरे तिरंगा बढ़ाना कफन के लिए। राज्य बहादुर शुरुआत हो गई पंचो, एकदम शीशा नियर झलकी कहानी। हमार कोशिश रही बिरहा सुनल जाले, नाच देखल जाले। जरा कहानी पर गौर करी है। देखा दू तरह का स्वर्गीय रामदेव गुरु जी, हम तो देखले ना रही पंचो। स्वर्गीय रामदेव गुरु जी स्वर्गीय बुल्लू गुरु का जब बिरहा होता है, स्वर्गीय बुल्लू गुरु तनी छुआ के गाँव है, स्वर्गीय रामदेव गुरु जी तनी उठा के गाँव है, तनी दोनों जाने का लहजा हो जाए। कैसे स्वर्गीय बुल्लू गुरु जौहरी कहे मास्टर, स्वर्गीय बुल्लू गावे, बुल्लू गुरु जी गावे कैसे कि धन्य भारत भूमिया भारत, हीरो का बसा घराना, दुनिया ने जिनको माना, कि सर जांस कार टरिया कर, जयपुर में उधम मचाया, तो पंत हिंद के बागी गोली से उन्हें उड़ाया। अब स्वर्गीय रामदेव गुरु जी वाली लगा दो।
हम जाने की अंग्रेजवा आके बैठ गए। अरे यार तो के अंग्रेज लोग कुछ जो सागर वाले का मतलब शरीर देख के बात करा चपी है ना। ए भैया बात उस समय की है, गुलामी की जंजीरों में मेरी भारत माता करा रही थी, जगह जगह से क्रांतिकारियों की टोली से आवाज बुलंद हो रही थी, बंगाल के धरती से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के घर हुंकार भर रही थी, हा मेरे देश के सपूतों तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दिलाऊंगा, करो या मरो का नारा रहा। ऐसी परिस्थिति में लंदन की पार्लियामेंट से कौन आया, एक अंग्रेज कप्तान आयल राजस्थान के जयपुर शहर में बाबूजी, नाम का रहल सर जॉन्स कार्टर। अच्छा तो सारण का नमो गजब 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 रहल शुभम भाई, ओकर नाम सर जॉन्स कार्टर है, कौनो आयल तो ओकर नाम रहल विलियम होग, कौनो का लॉर्ड माउंटबेटन रहल, कौनो लंडचूस नाम रहल। अच्छा था उन्हन का लव से नमो रहा, खुद हिंदी सारे ना बोला, लेकिन कहानी पकड़ करिएगा। राजस्थान के जयपुर शहर में आया है वह अंग्रेज सर जॉन्स कार्टर नाम का, निगरानी कैला दो दिन कि कौन क्रांति की मिसाल जरा रहा है, मसाल कौन जरा रहा है। अंग्रेजी थाना में गल तो देखल 40 क्रांतिकारी जवान, 18 साल 20 साल 25 साल का पट्टा, हिंदुस्तान का बंद है जेल में, सोच क्या ये नौजवान हैं, क्रांति का मसाल जलाएंगे। बौखला गया अंग्रेज पापी निर्दयी, जेल में से निकलवाया हमारे जवानों को, लाइन में खड़ा करा करके बाबूजी गोली से उड़वा दिया। ये बतिया वही जयपुर का रहे वाला एक गरीब किसान मजदूर का, मजदूर के कान में ये आवाज गई है कि हमार 40 भैया जवानन के पापी अंग्रेजवा मार देले बा, रोवा लगल खेतवा में काम करत रहल, किसानी के साथ साथ पहलवानी भी करता था, नाम का है लल्ला सिंह चौधरी, कहीं कहीं हमारे बिरादरी के लोग चौधरी लिखलन, राजस्थान जयपुर में हमारे बिरादरी के लोग आनंद यादव बाबू अहिरे का बेटा वहां कहलस की हाई देखा साला मेरा नमक खाने वाला गर्दन कट जाएगा लेकिन गर्दन झुकेगा नहीं। चल दिया है अपने जवानों को इकट्ठा करता है वह पट्टा पहलवान गरीब का बेटा, 10 जवानों के इकट्ठा कैलस कहलस खून का बदला खून से लिया जाएगा। तब कैलस का भैया गीत लगल है कैसे, पुरान चीज बड़ा मजा देला, एकर कोनो जोड़ना ये पुरनकिया में से नई लुक चुरा के नई बना देता। अपने जवानी के आले में स्वर्गीय रामदेव गुरु जी गावत रहलन कोनो दुलही अपने दुल्हा से कुहाई ले बंबईया दुल्हा से, वो दुल्हा फिलहाल गांव रहत रहा। ये कहाँ पड़ेला भाई, नाला सोपारा की बगल में बंबई हो, नाला सोपारा के बगल में बंबई, करिया ही मिल में रहा। अच्छा तू मुझे हिसाब कर रहला का, ये भैंसी की तबेला भी रहला मुनीब रहला। वो दुल्हनिया कहत रहला अपने दुल्हार राजा से का कि हमारी पाई जेब हो, अरे हमारी पाई जेब राजा हीरा जड़ा दा, अरे ये राजा उठ झूला नहीं पाउडर नहीं।
अरे हमारे पुंज रोज हीरो चढ़ादा। ये अमन यादव स्वर्गीय बाबूजी क्रांति की मसाल लेकर के, वह क्रांतिकारी लल्ला सिंह चौधरी 10 जवानों को लेकर के जौने थनवा में से निकाल के 40 जवान भैया के मरले रहल, वो थनवा के घेरवा लेलस। जब घेरवा लेलस भैया हो तो कैलस का लल्ला सिंह चौधरी पहलवान, सिंह चौधरी पहलवान कैलस का थियर लगाई दी हले हो। अरे लगाई दी हले बागी आगी थनवा में, अंग्रेजी थनवा के खेल लेले समर देश के पहलवान। थनवा में क्या है? 7 को अंग्रेजी सिपाही इंकलाब जिंदाबाद करके करता है क्या नौजवान कि सतयंग राजा बनी के, कि सतयंग राजा बनी के प्रगति हले मुआई पतवा लगावे गोरा पगलाई हो। अंग्रेज साले का थाना फूका वह पहलवान लल्ला सिंह चौधरी 7 अंग्रेजों को मौत को घाट उतार करके भागल तो घरे नहीं गयल, गयल तो गयल कहां क्रांतिकारी जवान। आजाद हिंद फौज के नेता सुभाष चंद्र बोस के शरण में गिर गया, जाके रोवल गल कलम नेताजी हम 7 अंग्रेजन के मार के लिए हैं, अपने भैया लोगन का हम बदला लेके लिए हैं। अंग्रेजी थनवा फूक भी देली है, नेताजी आके गले लगा के खुशी का आंसू रोवल गलन गले लगा के कलन बारे भैया तेरे जैसे क्रांतिकारी जवानों की जरूरत है, मेरी भारत माता आजाद हो जाएगी। ये भैया बतावल जला नेताजी टोली में बड़ा स्वागत केलन बारे पहलवान, तुम्हारे जैसे शख्सियत की जरूरत है, मैं अपने भारत माता को आजाद करवा लूंगा। ये भैया ये हर का बात हर छोड़े, कहा जाता है जहां वफादार पैदा होता है वहां गद्दार भी पैदा होता है। सर जॉन्स कार्टर अंग्रेज कप्तान के पता चला कि हमारे 7 जवानों को हत्या किया है, एक पहलवान है यादव का बेटा है, उसको जो जिंदा पकड़वाएगा 1000 मोहर उसको इनाम में दिया जाएगा। एक गद्दार गद्दारी का बैठल हिंदुस्तानी गद्दार कलस की अगर 1000 मोहर हमके मिल जाई तो हमार 7 पुत बैठ के खाई, हमके कमैले के का जरूरत है। फ्री में अगर केहू के धन मिल जाए, धोखा से धन मिल जाए तो ओके कमैले के मेहनत के लिए का जरूरत है। जाए के वह गद्दार गद्दारी कर बैठा और उस कप्तान सर जॉन्स कार्टर से कहता है कि अरे सरकार जेकर चौराहा चट्टी पर पंपलेट छपोले हुआ जिंदा जो इसको पकड़वाएगा पहलवान को मैं 1000 मोहर दूंगा। ये सरकार हमके मुहरिया मिली, समझ गया कि हिंदुस्तानी गद्दार है, कहा कि मैं दूंगा कलस है सरकार गद्दरवा कलस की है सरकार, जेके खोजत हुआ तो आजाद हिंद फौज का फौजी बन गयल। लेकिन घरवा बड़ी सुंदर दुल्हीन है सरकार, दूगो लड़का हो, दुल्हीन का नाम का हो निर्मला देवी, दो बेटवा होंगे गोदी में पहलवान के, बड़ा बेटा जिसका नाम है राणा, छोटा बेटा है 5 साल का उसका नाम है शिवा। माई रैया निहार थी कि हमार सैया 5 दिन हो गए एलन नाही, बात सुन करके गद्दार क्यों हो कैप्टन सवेरे के बेला में घोड़ा पर सवार भैल 10 गो सिपाही लेके लल्ला सिंह चौधरी पहलवान के घरवा पहुंच गए।
सवेरे का बेला है, जरा सपोज करी है बाबूजी, अपन दुअरवा झारत रहलिन निर्मला दुल्हीन घोड़ा पर सवार, आवाज दिया है कैप्टन निर्मला, बड़ा हंसी खुशी से घर को साफ सफाई कर रही है। तेरा पति कहाँ है रे? मेरे साथ जवानों को मारा है। खड़ी हो गई, शिष्टाचारी है, संस्कारी है, दुल्हन है। कल सरकार 5 दिनों कल अमृत से आगे गई ले, पता ना है कौन घोड़ा पर से तमतमा के उकड़ल उतरल है, जाके कलाई पकड़ के खींचल चालस है, छटका धरस तमीज से बात कर, वरना कलश निर्मला दुल्हन की लामे से बात कर। अंग्रेजवाज कल व्हाट व्हाट प्रेजेंट कीप साइलेंस ऑन द भुइया द गिजबी गिजबी। अरे बारिश का कोई कौन है, स्कूल में पढ़ ले बड़ा मनसुखवा इंटर कॉलेज में पढ़ ले यार। अंग्रेज कलश व्हाट, बड़ी ताकत है इसमें। निर्मला कलश जवन पूछे कहूंगा पुश दूरे से हट मत, चल हट कलश की। ये बता सिपहिया कुल सिपहियन के कलश की घेर लो यार इसको, अकेलो कर हिम्मत ना पर थे, देखा वीरांगना है अकेला पकड़वा के कहले का मतलब गिरफ्तार करवाए के भैया कोड़ा से मरवावे लगल, कोड़ा से मरवावे लगल भैया दुल्हन के दोनों बचवन के। बता तेरा पति कहाँ है, तेरा बाप कहाँ है? मैं भाई इज्जत बख्श दूंगा बता दोगे तो, लेकिन हे धरती की शान तिरंगे की शान कौन अपना मिटाएगा। एर के बात एर छोड़े हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने क्रांतिकारी जवानन के सीना में बारूद भरत रहलन, लेकिन एक तरफ जाए के लल्ला सिंह चौधरी पहलवान रोवत बाकी हे मालिक हो न हो कोनो गद्दार गद्दारी कैले हुई तो हमारे परिवार के अंग्रेजवा प्रताड़ित करत हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस देखलन की अरे पहलवान के आंखों में आंसू शोभा नहीं देता, पास में गैलन है कलन जवान, अरे पहलवान क्यों रो रहे हो? रोए के लल्ला सिंह चौधरी पहलवान कलश से साहब तनी परिवार के याद आ गई हो सरकार, बड़े बड़े फौलादियन के औलाद का गम पानी पानी का दिला हो नेताजी, हमार बेटा वा हमार दुल्हन कैसे हो यही बदे आंसू आगल है, आंसू आगल है नेताजी। एक बार हम अपने परिवार से मिल जाए तो हमारे कलेजा के ठंडक मिल जाए। नेताजी कलन तेरे पर इनाम रखा है साला वह कमीना अंग्रेज, 1,000 मुहर का, अगर तू जइबा तब पकड़ल जइबा पहलवान पे मौत मारल जइबा, तुम्हें भेष बदल के जाना होगा। तो गीत लगल है मालिक कैसे, जब गंगा चैनल पर विरहा होत रहल वो समय हम गौले रही यही गीतिया के भाव में, कौन दुल्ही का दुल्हा तनी पुजारी हो गई लनी कवन चीज का, अरे मंदिर का पुजारी भगवान का पुजारी हो गई लनी, दुल्हीन झंखा चे तो देवरवा कहला से भौजी ए भौजी, अरे हम तो हाइले नुबानी के क्या कहत हुआ, अरे करा ललिबा उ देवरवा अपने भौजी से कहला भौजी हम हैले नुबानी चिंता तनिको न कर, कहले कर हल मास्टर ए भौजी भैया त भैले, अरे त भैया त भैले, अरे पुजारी ए भौजी, अरे तोहर कजरा के निहारी ये भौजी, यही गीतिया के स्वर्गीय रामदेव गुरुजी बड़ा पीक के गावे, अरे ता झूला दिया काहे को जवाब, अरे ये राजा झूला दिया काहे को जवाब, अरे तू टली रुजु, अरे जवनिया में गड़िया छूटल ये राजा। लेकिन भाव लल्ला सिंह चौधरी रोज एक बात कलो से नेताजी से,
काकल भैया कि अरे माया सबत, एक तरफ देश है एक तरफ परिवार है, मैं बीच मझधार में फंसा हूं नेताजी, कैसे मिलन होगा परिवार से। कि माया सबत अरे भरमावे हो भैया, वही सुगन वन के याद आवे हो भैया। सुगन वन के याद आवे ये भैया, नेताजी कलर सुनो, मैं भेष बदलता हूँ तुम्हारा, साधु का भेष बनूलन है, हाली हाली रच रच के टीका चंदन लगावत हुन, नकली बार नकली दाढ़ी फुल लगाए के नेताजी ड्रेस पहिरौलन है, कल मैं पहचान लूंगा तो अंग्रेज भी तुझे पहचान लेगा, अगर मैं नहीं पहचानूंगा तो अंग्रेज साला तुझे नहीं पहचानेगा। नेताजी रच रच के वो पहलवान लल्ला सिंह चौधरी के तैयार कैलन है, देखलन है बड़ा ध्यान से, बारे भैया मैं नहीं पहचान रहा हूं कि तू पहलवान है, तू तो साधु लग रहा है। तब नेताजी कहलन है काम तोहरी परिणाम रख ले, तब भेष बदल के जाए को ही परिवार से झटके से मिलके यह बबुआ कि जाया बच के खोजे हाँ अंग्रेज बेईमनवा, अरे साधुआ का भेष बनावला जवनवा, बाहर देश प्रेमी बाहर देश के प्रति कुर्बानी, सलाम करता हूं ऐसे शख्सियत को, आज देश के लिए साधु का भेष बना करके नकली दाढ़ी नकली बार लगा करके भजन गाता हुआ अपने दरवाजे की तरफ चला है पहलवान लल्ला सिंह चौधरी। वो भजनिया कौन गावत हो कि माई को ही अरवाज अपना, अरे माई को ही अरवाज अपना, अरे लाल से जुड़ाई हो माई को ही अरवाज अपना, बहुत अच्छे भाव गल है। साधु भेष में जब पहुंचल है पहलवान, देखल सन नजर उठा के तो दुल्हन कोड़ा से मारल गल है, दोनों बचवा भी मारल गल वन, दुल्हन निर्मला कोड़ा के मार से बेहोश पड़ल है हो भैया। नेताजी कहले रहलन उपाय कहले रहलन कि तने दू चाठे को हरा लेला, थोड़ा टमाटर आलू है लेके और दुअरवा पजैहा आटा सान के बबुआ चाठे भौरी चोखा लगा के पांच छह दिन हो गई बा परिवार के खैले, पता ना पापी भोजन देत होई कि ना देत होई, यही बहाने परिवार से मिलन हो जाएगा और अपने बच्चों को भोजन भी करा दोगे। भोजन बन के तैयार हो गल, जो ही उस सधुआ खाए का तैयारी कैलस है, देख है हाथ में हथकड़ी लगल है दोनों बच्चों के, रोवत उस सधुआ के पास अलन, रोए के कहलन की बाबा हमार पापा पता ने कहा पांच छह दिन के चल गए, हमारे माई के हमारे मम्मी के अंग्रेजवा रोज मारेला, पूछेला बता तेरा पहलवान पति कहाँ है, नहीं बताएगी तो इसी तरह प्रताड़ित करता रहूंगा, तुझे मारता रहूंगा, जान से नहीं मारूंगा, तड़पा तड़पा के मारूंगा। हम उनसे भी पूछला
जोने हाथ में कलम कापी होकर के चाहिए, वो हाथ में पापी हथकड़ी डाल दिल सो बाबा, कलेजा फट गया। साधु कहता है, सोता है कि पोल खोल दू, लेकिन रूह आवाज देती है, नहीं नहीं पहलवान, देश की बात है, पहले देश होता है बाद में परिवार होता है। काला सर साधु रूपी व क्रांतिकारी कहा, बेटा मैं रमता जोगी बहता पानी, ए पर जहां भी पापा हो ये जरूर आई है लाही भोजन का। कैसे भैया? पचरा का भाव। गीत से बढ़िया भाव है। बनाई के भोजन बाबा, बनाई के भोजन बाबा, खाए चल ले खनवा खनवा माहुर भई लेना, ओ खनवा माहुर भई लेना, आइले बोदिया के दोनों बचवा जब भोजन बोलन पांच दिन का बुखार हो हाथ होवन, अब बाबा से कहो तारे बाबा पानी मंगले पर अंग्रेजवा गंदा पानी देता, खाना मंगले पर सुखाई रोटी देता हो बाबा, तब दोनों हाथ करावे अपने, दोनों हाथ करावे अपने हीरावन के भोजन ए भैया भोजन करावत हो तब ले निगरानी करे बदे वह कप्तनवा सर जॉन्स कार्टर वह अंग्रेज आया है, देखलस कि पांच सात को आठ को सिपाही हो अंग्रेजवा सिपाही हो सो झुलमुलात हो सो हाथ हो पांच छह दिन का जागल हो सो ये भोजन कौन करावत हो, उतर गया घोड़े पर से हनी हनी चाय के खींच के तमाचा राणा शिवा दोनों बचवन के मरल सा जाय के माई की अचरा में वही बेहोश पड़ल निर्मला ही अचरा में दोनों बचवा लुका गेले। जगावत होन माई, मम्मी जागा हो नसीब में भोजन रहल वो भोजन ना खाए पवली जा, पापी आगल माई जागा। वार्तालाप हो रही है इधर साधु में और अंग्रेज कैप्टन में वार्तालाप हो रही है, कह रहा है अंग्रेज तुम कैसे आए, किसकी मजाल तुम्हारी, ये मजाल कि तुम भोजन करवा रहे हो मेरे बिना इजाजत की। साधु कहता है सरकार सांझ हो गई ले जगन बिहाने कहीं हम चल जाए, मैं रमता जोगी बहता पानी। कहा ठीक है, तूनो बचवा छपटिया थोन। आवाज साधु की आवाज, साधु रूपी क्रांतिकारी पहलवान की आवाज जब बेहोश पड़ी निर्मला के कान में गई हो उठ करके बैठ जाती है, हौसला मिलल की तो हमार सैया हमारे भगवान का आवाज लगत हो, हौसला मिलल शक्ति मिलल हो उठ करके बैठ जाती है और देख के अपने सैया के कुछ कहल चाहत हो, तबले नजरों से इशारा कर दिया वो साधु रूपी क्रांतिकारी, कहला कहला न कि नहीं पगली कुछ मत कहना, पोल मत खोलना नहीं तो गजब हो जाई रे, तो नहीं गजब हो जाई उ कहलन का कहलन भैया।
यह कहलन निर्मला से पहलवान का कि ये दुलहिन बचाई के माई कलजिया। अरे निर्मला बचाई के माई कलजिया, अरे तब पानी के गईले पानी ना फिर से आई। बचाई के माई कलजिया, पानी के गईले पानी ना फिर से आई। बचाई के माई कलजिया, चतुर चलाक अंग्रेज के शक हो गई। तब कैलस का भाव, अरे गिरफ्तार करके सबको, अरे अलग अलग बधवाया है, क्या यही है तेरा स्वामी जो जो कि साधु रूप बनाया है, निर्मला कहीं फटकार तुरंत, यह साधु नहीं भगवान मेरा, चाचार निश्चर दुष्कर्मी, चाचार निश्चर दुष्कर्मी, अरे पूरा न होगा अरमान तेरा। आवाज दहलस निर्मला दुहेन की, जा जा रहे निश्चर दुष्कर्मी, पुरान हो गए अरमान तेरा। सुन लो, मैं उस देश की बाला हूं जिस देश में गंगा बहती है। अरे पापी नीच कसाई, गंगा माई खाली पनिए ना बहेली रे, हमारे देश में अमृत का धार बहती है गंगा मैया। मैं उस देश की बाला हूं। भड़के अंग्रेज, कहा क्यों रसरी जल गई है, इठन नहीं गया। मैं सुनता हूं कि भारत की धरती पर भगवान मिलते हैं, तो आज तेरे भगवान को मैं देखना चाहता हूं। बुला अपने भगवान को। गुस्सा में लाल हरम ज्यादा अंग्रेज, फेटा में कटारी लहरल, कटारी निकाल ले, गर्दना पर लगा दे निर्मला की, बता यह कौन है, नहीं तो एक मिनट नहीं लगेगा सारा उधर अलग हो जाए। इतनी बतिया सुल्ल से निर्मला दुल्हन खींच के तमाचा भर लो। भाग कुत्ता, कमीना कहीं का, सौ गर्दन काट देगा साला, लेकिन मात्र भूमि की कसम, कसम गंगा मैया का, कसम धरती मैया का, पक पीछे ना हटी। तू का हाथ कड़ी डाल के मारे ले रोज कोड़ा से, तो कहा हिम्मत हारी है वीरांगना, नहीं हारी है, मेरे सामने मेरा भगवान आया है, तू मेरा बाल बाका नहीं कर सकता है। तब तक अंग्रेज पापी तमतमा के गुस्सा में लाल कटार को सीने में भोंक दिया। निर्मला गिरी है धरती पर तो गिरी रह गई बाबू, दोनों राणा सिवा बेटवा जैसे मछरी के जल से बाहर कर दे जाए पंचो, छपटिया ले वही तेरे दोनों राणा सिवा, दोनों बचवा छपटिया धोन। और राणा बेटवा बड़का दौड़ के गाला कलश की, सरकार ए सरकार हमके मार दी, लेकिन हमारे भैया के छोड़ दी, माई के जगह हुआ था छटका। तब अंग्रेज का हाथ, तुम अभी सपोले हो, अभी फन नहीं आया, जब फन हो जाए तुम्हारा के फन जाम जाए तो तुम भी डंक मारोगे। प्रमाण मिला बाबूजी, उसी कटारी से दोनों मासूम राणा सिवा का गर्दन अलग कर दिया, हत्या कर दिया। देखता रह गया साधु कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहे, पहले देश है बेटा बाद में परिवार है। नेताजी के शक भइल, कुछ दाल में काला जरूर है, 2 घंटा खातिन गयल लेकिन 4 घंटा हो गल पहलवान आया नहीं। अपन टोली लेकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस आगे बढ़े हैं। फिर वह गदरवा पहुंचल, कहता कि अंग्रेजवा से जाए कि कैप्टनवा से कलश की, सरकार जल्दी भाग जा,
सुभाष चंद्र बोस आ रहा है। पढ़े लिखे हमारे भैया बैठे हैं, दादा बैठे हैं, चाचा। अंग्रेज किससे डरते थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस से बहुत डरा करते थे। अंग्रेजवा के पता चलल कि सुभाष चंद्र बोस आ रहा है, भाग गल, कटरिया उटरिया छोड़ के भाग गल। नेताजी गैलन अपन टोली लेके देखलन तीन तीन गुना, कलेजा फट गल। पेड़ में बांधा गया है वह साधु रूपी क्रांतिकारी, चेहरा एकदम लाल। नेताजी देखलन जाय के हाली अली बांधल सदुआ के छोड़लन आ लेके भगलन जंगल की ओर, जंगल की ओर भगलन। वही जंगलवा में जाके नेता के सामने रोवत था, नेताजी हमारे सामने हमारे परिवार का हत्या कर दलस पापी, हम कुछ ना कर पाऊंगी, रोवत था। नेताजी तमतमा गए, आवाज दिया, बहुत रोवल धोवल तोहर दखली, अइला तक कहला कि भारत माई के आजाद कराई। हरदम रोना, हरदम रोना, क्या है? भारत माता ऐसे नहीं आजाद होगी, तुम्हारे बस की बात नहीं है। जाओ अंग्रेज के सामने आत्मसमर्पण कर लो, याद करो उस दिन की बात। नेताजी कहलन एक दिन की बात सुनो, अरे जलियाना वाले बाग में अरे जलालदार गोली चलवाया था, जानते हो पहलवान? जलिया वाले बाग में पापी जनरल डायर ने मेले में हजारों हजारों लोगों की धोखे से हत्या करवाया था। उस मेले में कोई नहीं बचा था, एक 5 साल का मासूम बचा था जिसका नाम था उधम सिंह। बहते हुए खून की धारा से तिलक लगाया था और कसम खाया था, जब तक जनरल डायर को मार नहीं लूंगा जान के नींद नहीं सोऊंगा। जानते हो पहलवान, जब बड़ा हुआ वह 5 साल का मासूम उधम सिंह, खोजे लगल जनरल डायर के। जनरल डायर के जब इंडिया में ना पौलस, तो सात समुंदर पार जाकर के लंदन में गोली मारा था। और तुम रो रहे हो, जाओ, मारे बस की आजादी नहीं है। देखा सुतल सिर जागल, हाली हाली आंसू पोंछ के नेताजी के चरण में कलश की आज असुआ तोहरे चरण चढ़ा देली। नेताजी कसम धरती मैया कह, कसम तिरंगा झंडा कह, आज के बाद पहलवनवा के आंख से आंसू न गिरी, अब ज्वाला निकली। जब ले सारे के मारम ना तब ले चैन करी ना सो, पीरस का भाव हमारी कैसे कई जिला चले ले, जिला से चले ले। कैसे भैया? अरे तबारी उम्र कमर लचकनिया, गोरिया खींचन हुरी के पनिया, गोरी का झूले झूलनिया ना, जवान लल्ला सिंह चौधरी पहलवान। जब निकल पड़ल तब नाचे जखमी शेर के सीने, नाचे जखमी शेर के सीने, मानवा हो चयनवा माटी कैला से बई मनवाना।
के पहलवान चलल है कि जबले सारे के मार ना ले भारती मैया के सारे के शीश ना चढ़ा ले तबले चैन कनी ना सोई। ये खबरिया देखा जब चारों तरफ गूंजल है जंगल की आग की तरह कि पहलवान लल्ला सिंह चौधरी जाग गई बा तो वह के दरबा जो 1000 मोहरिया लेके गद्दारी कैले रहल पहुंच गल है ओकर बंगला अंग्रेजवा के और बिस्की का बोतल खोल के अरविंद भैया चुस्की लेता ये भैया गल है दरबा कलश की है सरकार निकलला निकलला हाँ, निक पर जाई कहा अंग्रेज ये क्या कह रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कल 9-11 हो जाइए इंडिया छोड़कर लंदन भाग जाइए पहलवान कसम खाया है तो क्या मारी तक अंग्रेजवा इतने खुटियावा लगल क्या बोल रहा किसी मजार मुझे मारेगा निवरा के मोहर मारी दरबा कलश की हिंदुस्तानी वफादार होता है। लल्ला सिंह चौधरी आपको मारेगा तो मारेगा जल्दी निकलना ये में भलाई है खोजा था कलश इसी बात है कैसो का नशा टूटल है। हाँ हाँ लगता है 7 जवानों को मारा है और थाना भी भूखा है हमें भी मार देगा कोई ठीक नहीं है उसका हाली हाली लेटर पैड निकलला हाली हाली अंग्रेजी में लिखा था लंदन के पार्लियामेंट में भेज दलस होकर छुट्टी कहले का मतलब मंजूर हो गई। इंडिया से लंदन भाग गल तो भाव पहपट के कैसे भैया अरे फंसी हमारी में ए भैया फंसी हमारी में अरे याद धर्म कन्हैया धरती मैया के अरे तो भागल जान बचा के नीच कसैया धरती मैया के नेताजी के टोली में भागल भागल पहलवान आयल कलस नेताजी अरे हमार दुश्मन तो लंदन भागल नेताजी कलन घबरा मत सात समंदर पार चल जी मर्दवा तब अरे जानी के मारा मल्ला सिंह अरे हरा ना ही मतिया हो 5 साल के बाद फिर से आइल बाउज पतिया हो अरे छपल खबरी ए भैया छपल खबरी अरे स्वागत कर खल समैया धरती मैया अरे तकर तकर जना लल्ला सिंह अरे ललवैया धरती मैया ये भैया कहले का मतलब लंदन अंग्रेजवा भागल सर जॉन्स कार्टर तो कर ब्रिटिश सरकार बड़ा भव्य स्वागत कैलस कि जयपुर राजस्थान में सब हिंदुस्तानियों के कलेजा में खाप पैदा करके आया है तो पहले नंबर पर ये अंग्रेज है इसकी नियुक्ति फिर इंडिया में होनी चाहिए। ये पंचो बिरहा सुने वाले भैया बाबू चचा हो ये हमारे बिरहा का मेन कहानी फ्रंट लाइन है। आखिरकार कहले का मतलब होकर नियुक्ति ब्रिटिश सरकार फिर लंदन से कलकत्ता में कर देना जब खबर क्रांतिकारियन के मिलल है तो नेताजी कहाँ रहलन उस समय यही बनारस में रहलन और अपने क्रांतिकारी टोलियन के लेके गाजीपुर मऊ होते हुए बक्सर बिहार कलकत्ता की सरजमी पर पहुंचले का तैयारी कर लेने चलत हो तो वही रहिया में नेताजी के सामने लल्ला सिंह चौधरी पहलवनवा उछल उछल के एक एक लाख बात कहत रहा कैसे भैया यह कहे
कारण हे नेताजी, अरे चांद से बढ़ी करियान का कीमत, अरे कीमत समझे पानी दार, अरे काल से झूकल बंदर झंखे, जवानी तनके यह पहलवान कहला सर कि जान से पढ़ के आनक कीमत, कीमत समझ है पानीदार, दाल से चूकल बंदर झंख है, बात से चूकल मर्द अखबार। यह बतिया कर नेताजी कलकत्ता पहुंच गए, कहा जहां भव्य स्वागत और पापी अंग्रेजवा सर जॉन्स कार्टर का रखल गई बा, जे भैया गए हुई कलकत्ता धर्मतल्ला मैदान में गए हुई, मैदान देखले हुई वही धर्मतल्ला मैदान में पापी का भव्य स्वागत रखल गई बा, हजारों हजारों का भीड़ बा की चली देखल जा कैसन अंग्रेजवा हास रहा। इतने माइक लेके भाषण देत है नेताजी, अपन टोली लेके धर्मतल्ला मैदान के समीप पहुंचल ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस करन बहुत भाषण देत है साला, रुको जवानो मैं साले को भी शूट करके आता हूँ, साले को गोली मार के सीने में। तब ले पहलवानवा सुन ल से तनी बतिया, नेताजी के चरनिया पर गिर के एक बाप कहला सर, कैसे भैया अब अलग भाग जवन पापी कैलस मर गोलू सन बीरा, नेताजी के रोकत है नेताजी, हम कसम खैले ही हमार शिकार हो, हम के आदेश दा नेताजी। नेताजी कहलन बारे भैया यही दिन का हम के इंतजार रहल, तनी पिछवा 5 साल पहले जो तेरे सामने तेरे पत्नी की हत्या किया था यह निर्दयी साला, तेरे मासूम बगिया के 2 फूल का हत्या कैले रहल, याद कर तमतमा गया। नेताजी याद दिला देला, तल्ले किस भेष में तू गया था, साधु के भेष में, तब हम साधु वाला कुल सिस्टम हम रखले बानी, और जिस कटारी से पापी तेरी पत्नी का और तेरे बच्चों का हत्या किया था वो कटारी भूल करके चला गया था, वो कटारी भी मैं संभाल के रखा हूं। रच रच के नेताजी साधु का भेष वाला उलन हम, और एक झोला दाइना पंखा पर दूसरा बाया पंखा पर दिलन, एक थे झोलवा में वो कटरिया है, दूसर की झोलवा में चमचमा 6 फेरा पिस्टल, एकदम गोली लोड है पिस्टल में, कलन जाओ उसका स्वागत करके आओ। भिड़िया चीरत लल्ला सिंह चौधरी पहलवान, देश का प्रहरी, भारत माँ को आजाद कराने के लिए पहुंच गया उस मंच के सामने। इतने माइक लगल है अंग्रेजवा कहला सके, सुनो कलकत्ता वासियों, सुनो कलकत्ता वासियों, मैं वही कैप्टन हूँ, राजस्थान के जयपुर शहर में मेरे खिलाफ एक पत्ता नहीं हिलता था, और तुम भी मेरे खिलाफ चलोगे।
तो वैसा ही हस्त्र करूंगा जैसा कि मैं राजस्थान में किया था। तब तक आके दस्तक दे पड़ा वो साधु रूपी क्रांतिकारी, दस्तक दे पड़ा। कहता है सरकार मैं भी आपका स्वागत करने आया हूं, क्योंकि धर्मतल्ला मैदान के समीप से जा रहा था तो कुछ आवाज आई यहाँ स्वागत समारोह है, तो आपका सोचा कि मैं भी स्वागत करता चलो। बड़ा खुश हुआ, कलश खुश हुआ बोगेम्बो का आओ साधु, आओ साधु, सारे के हिंदी ना बोले आवे, साधु ना कह के आओ साधु, आओ साधु, आओ मेरा स्वागत करो साधु। इतना बतिया सुनता तू है देश का प्रहरी पहलवान तरह बगल छराक के शेर की तरह मंच पर आके खड़ा होगा। जय हिंद सर, प्रणाम करता है साधु आपको। हाँ अंग्रेज, अंग्रेजवा कल वार साधु, जैसे लोगों ने मेरा स्वागत किया तो मैं करता चल, जल्दी कर मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जाना है, जाना है, जाना है कहीं। तब साधु रूपी क्रांतिकारी बदले की भावना मुस्कुराते हुए बाया हाथ डल्ला झोला में थाम से निकल, थाम से लगा दिला। हम ना आए ओ जैसे लगौले रहा इतने लगा के कहलस साधु रूपी क्रांतिकारी साले अंग्रेजवा कलर रे साडू, अरे साडू बोली मत चला ना, अरे मैं तो समझा कि तू साधु है, तू तो क्रांतिकारी लगता है रे, बोली मत चला ना। इतने बतिया सुनते वो देश का पहलवान नकली बरवा नकली दड़िया फेंक दे कलस साले रमोस साले अंग्रेजवा के, मुझे पहचान मैं कौन हूं, और अब पेड़ में बांध करके मेरे सामने मेरे पत्नी मेरे बच्चों का हत्या किया था ना, छोड़ उस बात को, लेकिन मेरे 40 भैया को गोली से तूने ही उड़वाया था, मेरी माँ बहन की इज्जत तू सरेआम बीच चौराहे पर लूटा करता था ना, आज तुझे मैं विदाई में मौत की सजा दूंगा। जितना सिपाही हो धर्मतल्ला मैदान में अंग्रेजी सिपाही कहला सल्लल्ला सिंह चौधरी पहलवान पहले कह दे कि धर्मतल्ला मैदान से उस पार सारी गने फेंक दी जाए। अंग्रेजवा कहला कि अरे सिपाही वो पागल हो गया साढ़ू, जल्दी फेंक दो, एक मिनट ना लगल कुल गन धर्मतल्ला मैदान के वो पार फेंका गई। अफरा तफरी मचल हजारों हजारों की भीड़ की गोली चल मंच, अंग्रेजवा गिरल हम बॉयलर मुर्गा की तरह हिला था, तीन गोली लगल है वही मंचो पर बरल सट्ठा अट्ठा है, तीन गोली गिरल है वही बॉयलर मुर्गा की तरह हिला था। तब तक बार हमारे देश का पहलवान लल्ला सिंह चौधरी वही भिड़िया में वही मंचवा पे थे काम कैले, कौन काम कैले भैया वा कैला सका, अरे पक्का ता कर दनी ये भैया का ता कर दनी, अरे पापी का चला के छुड़िया, अरे तो भागल भागल देश का जवान बहु उठा के मुड़िया। चलाक छुड़िया भागल देश का जवनवा हो उठा के मुड़िया, मतलब देखा बिरहा का हमारे मेन लाइन है, काटा गर्दन पापी का चला के छुड़िया भागल देश का जवनवा हो उठा के मुड़िया। पापी अंग्रेज का मुड़ी पकड़ के खतबा से एक कटरिया निकाल के खचाक से मुड़िया काट ले पहलवान, मुड़िया काट के छोड़लस ना झोलावा में भर के जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंतजार करत हुए हो पंचो वही जगह भागत है लेके। तो भैल का अरे पिठिया में गोली
अरे पिठिया में गोली मारे गोरे बेईमान बाम, अरे धरती रोवाला ऊपर रोवाला गगनवा। सिपहिया अंग्रेजी सिपहिया कुल देखलन के आई हो बापा मंचवा पर तो साहब का शरीरिया मुड़िया ये भैया शरीर है लेकिन मुड़ी नहीं है। देखल ना कुल अंग्रेजवा की अरे वही भाग रहा है साढ़ू वही मार रखा जा रहा गोली चलाओ लगे सो एक छह गोली पीठी में लगे पहलवान के लेकिन हौसला बुलंदी पर है दर्द तनको ना हो। भागल नेताजी जहां इंतजार करते वही जन पहुंच गल नेताजी दिखलन की हमार भादर शेरावत हमारा पहलवान आ रहा है दौड़ के आके गलन से मिलना चाहते हैं नेताजी। तब तक दर्द बर्दाश्त ना भइल गोली कर ठमक के गिर गए पहलवान। नेताजी दौड़ के जाके उठौलन गोदी में कहलन पहलवान अरे पहलवान भैया तोहरा के गोली लगल है पहले तुहार इलाज कलकत्ता के अस्पताल में कराई एक बात बात हुई। हंस करके वह कहा पहलवान की हे नेताजी हमें मरने का गम नहीं है न कोनो दर्द बा आज इतना खुशी बा कि दुश्मन का गोली हजारों गोली सीना के पार कर गई हो तब बोना दर्द होल भय भयल हो पहलवान के हमके तनको दर्द ना हा। लेकिन नेताजी एक तोहफा तो रे बदल लिया ले देखा देखा हम परीक्षा में पास ही की फेल लिया झलवा में काटल मुड़िया अंग्रेजवा का थमा दलन टप 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 खून छुआ था। नेताजी नीचे गिरुलन झोला से देखलन की अरे बाप रे बाप अरे पहलवान अंग्रेज का मुड़ी मेरे चरण में ला करके डाल दिया तो मामूली नहीं है रे तू मेरे जिगर का टुकड़ा है तू मेरा भाई है तू परीक्षा में 100 नहीं 101% पास है और तुम्हारे जैसे वीर बबर की जरूरत है मेरी भारत माता आजाद होगी मुझे फाइनली विश्वास। लेकिन कहा हंस करके वह नौजवान कि नेताजी एक वादा करिए कि भारत माता को आप आजाद कराओगे ना हमार इंतजार स्वर्ग में हमार दुल्हन हमार दोनों बेटवा इंतजार कर थो। इंकलाब जिंदाबाद करते करते वह देश का पहलवान लल्ला सिंह चौधरी नेताजी के बाहों में हमेशा हमेशा के लिए सो गया। नेताजी रो थो कैसे भैया आप लोग उनका टाइम ले ये हमके यहां तक पहुंचावे का काम कइले। मैं चाहूंगा सुशील कवि जी हैं मैं चाहूंगा जब हमरे गौले को सहूर ना रहल सिखत सिखतो ना रहल कैसे आवाज गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु धन्य हरि की माया विमल चंद्रिका प्यारे लाल कहीं धूप कहीं छाया अरे बचा